दोस्तों एंड्रॉयड स्मार्टफोन, जी हाँ दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो फिलहाल एंड्रॉयड स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं। वहाँ पर आपको गूगल की तरफ से आने वाला एंड्रॉयड ओएस देखने को मिलता है, और यहाँ पर अभी तक आपको जो नेम मिलते थे कुछ इस तरह से, जैसे एंड्रॉयड किटकैट हुआ, या एंड्रॉयड ओरियो हुआ, या एंड्रॉयड पाई, जो अभी लेटेस्ट एंड्रॉयड 9 चल रहा है, वहाँ पर आपको एंड्रॉयड पाई ओएस देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अभी तक जो नेमिंग आपको देखने को मिलती थी, जो यहाँ पर ओएस होता था, एंड्रॉयड वर्जन जो भी आपका आता था, वो एक यूनिक तरह की नेमिंग आपको देखने को मिलती थी। किसी स्वीट या डेजर्ट के नेम पर जो है यहाँ पर नेम रखा जाता था ओएस का। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर बिल्कुल चेंज होने वाला है। जो एंड्रॉयड क्यू ओएस आने वाला है एंड्रॉयड का, उसमें आपको किसी तरह का कोई नेम यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। आज गूगल ने यहाँ पर ऑफिशियली अनाउंस कर दिया। तो आज के इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं कि जो एंड्रॉयड ओएस है उसकी कब शुरुआत हुई, और अब जो नेक्स्ट एंड्रॉयड ओएस आने वाले हैं उनमें आपको क्या कुछ नेम वगैरह देखने को मिलेंगे, सारी डिटेल आज के इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। और दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और साइड में बेल आइकन आता है उसको भी आप लोग जरूर से प्रेस कर लीजिए। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि एंड्रॉयड स्मार्टफोन, एंड्रॉयड ओएस बहुत ज़्यादा पॉपुलर है इस समय। पहले नंबर पर जो है यहाँ पर मार्केट शेयर के मामले में आता है एंड्रॉयड ओएस, और उसके बाद में आईओएस आता है। तीसरे नंबर पर फिलहाल जो है काईओएस आता है। तो ये जो है तीन ओएस काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं, और एंड्रॉयड ओएस सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। लेकिन दोस्तों अभी तक आपको जो नेम देखने को मिलते थे, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि एंड्रॉयड 9 जो अभी तक जो ओएस चल रहा है आपके स्मार्टफोन में भी, जो भी लेटेस्ट ओएस होगा वो आपका एंड्रॉयड 9 होगा, और उसका जो नेम यहाँ पर है वो एंड्रॉयड पाई है। और नेक्स्ट जो ओएस आने वाला है एंड्रॉयड का दोस्तों, वो यहाँ पर होने वाला है एंड्रॉयड क्यू। लेकिन दोस्तों इस बार आपको किसी तरह का कोई नेम वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। और यहाँ पर गूगल के द्वारा बताया गया है कि अभी तक जो नेम रखे जाते थे वो किसी स्वीट, कैंडी या डेजर्ट जो भी यहाँ पर डिश होती है उनके नाम पर रखे जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। जो यहाँ पर नेक्स्ट ओएस आने वाला है, यानी कि नेक्स्ट एंड्रॉयड वर्जन आने वाला है एंड्रॉयड क्यू, उसका जो नेम होगा दोस्तों वो कोई नेम नहीं होगा, बल्कि उसे जो है एंड्रॉयड 10 के नाम से जाना जाएगा, और नेक्स्ट जो भी ओएस आएगा उसे एंड्रॉयड 11 के नाम से जाना जाएगा। साथ में उन्होंने जो अपना लोगो है दोस्तों, जो एंड्रॉयड आपको जो रोबोट देखने को मिलता था वो वाला भी चेंज कर दिया है, क्योंकि अब आपको एंड्रॉयड के साथ में ही जो रोबो वाला आइकन है वो यहाँ पर छोटा सा आइकन देखने को मिलेगा, कुछ इस तरह का लोगो अब आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जो एंड्रॉयड ओएस है दोस्तों, उसका जो पहला स्मार्टफोन लॉन्च किया गया था वो 2008 में लॉन्च किया गया था, लेकिन जो एंड्रॉयड की शुरुआत हुई थी दोस्तों वो 2003 से शुरुआत हुई थी। जो एंड्रॉयड इंक कंपनी थी दोस्तों, इसके चार फाउंडर थे, और उन्होंने इस कंपनी की शुरुआत की थी 2003 में। और दोस्तों जो चार फाउंडर थे उनके नेम मैं आप लोगों को बता देता हूँ, रिच माइनर, निक सियर्स, कैरिस वाइट और एंडी रूबिन। जी हाँ दोस्तों, ये चार फाउंडर थे, और एंडी रूबिन ने 2013 में बताया था कि उन्होंने जो एंड्रॉयड ओएस बनाया था वो डिजिटल कैमरा के लिए बनाया था, वो स्मार्टफोन के लिए नहीं बनाया गया था। और 2005 में उन्होंने जो है यहाँ पर डिजिटल कैमरा पर जो है ये ओएस इंस्टॉल भी कर दिया था, और उसकी सहायता से अपने कैमरा को उन्होंने कनेक्ट किया था पीसी से, और जो फोटोज़ थे वो ऑनलाइन क्लाउड जो है सर्वर पर शेयर कर दिए थे। यानी कि इसलिए जो है यहाँ पर डिजिटल कैमरा के लिए जो है ये ओएस बनाया गया था। लेकिन गूगल ने जो है यहाँ पर इस एंड्रॉयड इंक कंपनी को 2005 के अंदर एक्वायर कर लिया था, और उसके बाद से जो है गूगल ने इस पर काम करना स्टार्ट किया। और दोस्तों एंड्रॉयड 1.0 का जो पहला बीटा वर्जन था वो डेवलपर्स के लिए ओपन किया गया था 2007 में, क्योंकि उस समय जो है यहाँ पर एप्पल ने जो अपने आईफोन है दोस्तों वो लॉन्च कर दिए थे। उसके बाद गूगल ने काफ़ी तेज़ी से काम करना स्टार्ट किया, और उन्होंने अपना जो पहला स्मार्टफोन लॉन्च किया दोस्तों वो सेप्टेम्बर 2008 में लॉन्च किया था। ये था HTC ड्रीम, जो कि HTC और टी मोबाइल के साथ में मिलकर लॉन्च किया गया था। इस स्मार्टफोन में आपको एंड्रॉयड वर्जन 1.0 देखने को मिला था, लेकिन किसी तरह का नेम वहां पर नहीं दिया गया था। और इसके बाद फरवरी 2009 में जो है एंड्रॉयड 1.1 को रिलीज़ किया गया, लेकिन इसका भी कोई नेम वगैरह नहीं दिया गया। और इसके बाद अप्रैल 2009 में एंड्रॉयड वर्जन 1.5 को रिलीज़ किया गया, और इसका जो नेम दिया गया था दोस्तों वो कप केक जो है नेम दिया गया था, यानी कि पहली बार एंड्रॉयड वर्जन 1.5 में पहला नेम दिया गया था कपकेक। और दोस्तों उसके बाद इसी साल यानी कि 2009 में ही सितंबर में इन्होंने वर्जन 1.6 रिलीज़ किया, और इसका जो नेम इन्होंने रखा दोस्तों वो डोनट यहाँ पर नेम रखा। और अक्टूबर 2009 में इन्होंने जो नेक्स्ट वर्जन भी रिलीज़ कर दिया, और ये था वर्जन 2.0 और 2.1, और इसका जो नाम रखा गया दोस्तों वो इक्लेयर नाम रखा गया। और मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि मैंने भी जो अपना पहला स्मार्टफोन लिया था वो इक्लेयर ओएस वाला ही लिया था। यहाँ पर मैंने जो पहला स्मार्टफोन खरीदा था वो 1 जनवरी 2010 को खरीदा था,
सैमसंग गैलेक्सी 5, और वो करीबन उस समय 9,000 रुपये का आता था, तो वो स्मार्टफोन मैंने परचेज़ किया था। और उसी के बाद से जो है मैं रेगुलर यहाँ पर जो है एंड्रॉयड स्मार्टफोन यूज़ करता आ रहा हूँ। उसके बाद बहुत सारे स्मार्टफोन मैंने यूज़ किए और आप लोगों ने भी यूज़ किए होंगे। आइसक्रीम सैंडविच ओएस आपको मिला होगा, किटकैट आपको मिला होगा, लॉलीपॉप, ओरियो और एंड्रॉयड पाई फिलहाल यहाँ पर चल रहा है। तो ये कुछ ओएस नेम यहाँ पर थे, लेकिन दोस्तों अब किसी तरह का कोई भी आपको जो है नेम देखने को नहीं मिलेगा। सिंपली जो वर्जन होने वाला है दोस्तों वो इस तरह से आपको मिलेगा, एंड्रॉयड 10 और नेक्स्ट ईयर आपको मिलेगा एंड्रॉयड 11। वैसे आप लोग यहाँ पर नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि आपने पहला एंड्रॉयड स्मार्टफोन कब यूज़ किया था और उसमें आपको कौन सा ओएस देखने को मिला था, और इन ओएस में से आपका जो फेवरेट ओएस है दोस्तों वो कौन सा है, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से बताना। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए।